हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट और सेकंड की हिंदी इंग्लिश की बुक चेंज हो गई है। अभी जो बुक का नाम है वो सारंगी है और ये हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक है, क्लास वन की, कक्षा एक की ये पुस्तक है और ये न्यू एनसीईआरटी है। तो ये केवीएस इंटरव्यू की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस बुक के बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या थीम है और क्या क्या आपको कवर करना है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। कौन कौन से चैप्टर है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसकी पीडीएफ मैं आपको कंप्लीट जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग का है इसमें कुछ दिया नहीं गया है। यहाँ पर ई बुक डाउनलोड कैसे करते हैं दीक्षा ऐप से और क्यूआर कोड से, वो यहाँ पर दिया गया है टीचर्स के लिए, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की बुक है, अभी न्यू आई है ये। तो इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया है ये फ्रंट पेज इसमें हम देख लेते हैं। इसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NAP 2020 है तो उसको तो आपको कवर करके जाना है क्योंकि उसी पे बेस्ड जो भी चीज़ें हैं आप करते हो, पढ़ाओगे, टीचिंग आपका उसी पर बेस्ड होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ये जो मैंने अंडरलाइन किया है देखिए, यहाँ पर इसकी जिक्र की गई है। इसमें जितने स्टेजेस हैं, फाउंडेशनल स्टेज, एज क्या है, किस स्टेज में बच्चे बाल वाटिका में जाते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाओगे तो इससे आइडिया लग गया ये आपको कवर करना है। फिर NCF आपको ये NCF भी पढ़ के जाना है। देन यहाँ पे कुछ आयाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंचकोश विकास की बात की गई है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में जो वर्णित किया गया है वहाँ पे पंचकोश विकास का जिक्र किया गया है, यानी मानव व्यक्तियों के पांच कोशों का विकास करना है। ये पांच कोश क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी। और NCF सीखने के पांच आयामों पर भी ध्यान देता है, जैसे आपका शारीरिक एक गयात्मक हो गया पहला, फिर समाज संवेगात्मक हो गया, भाषा एवं साक्षरता हो गया, हाँ भाषा एवं साक्षरता हो गया, संस्कृति हो गई और तथा सौंदर्य बोध, ये पांच जो है आयाम है। अब पांच विकास कोष, मगर विकास कोष कौन से होंगे तो ये पांच जो विकास कोष हैं यहाँ पे वो अन्नमय हो गया, प्राणमय हो गया, मनोमय हो गया और विज्ञानमय और एक आनंदमय। तो ये पाँचों आपको पता होना चाहिए क्योंकि NCERT में गिवन है, ठीक है। इसके अंतर्गत उसके बाद आप बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी आप सिखाओगे, बच्चों को एक्सपीरियंशियल नॉलेज, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज भी दोगे बच्चों को, तो ये बात इसमें की गई है। तो जो जो मैंने येलो से अंडरलाइन किया है वो आपको पढ़ना है। तो जो ये कुछ ये जो बुक है ना, ये जो पुस्तक है, इसमें चीज़ें बहुत सरल तरीके से बताई गई हैं, आकर्षक रूप से और रोचक बताई गई हैं। इसमें ये प्रयास किया गया कि ये बुक जो है वो इस तरीके से हो। और अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको पढ़ाते समय ये भी ध्यान देना है कि जो बच्चे हैं वो उनको बताना है या सिखाना है कि पर्यावरण के प्रति कैसे वो बिहेव करेंगे, यानी उनका उनको संवेदनशीलता उनमें विकसित करनी है, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई है। और फिर आपको NCERT के बारे में भी पता होना चाहिए कि NCERT क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद NCERT के जो यहाँ पे देखिए, NCERT के जो निदेशक हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, और उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। और ये पुस्तक का नाम दिया गया है सारंगी का मतलब पता होना चाहिए आपको। और यहाँ पे देखिए आपको पढ़ाते समय क्या ध्यान देना है एज अ टीचर, क्योंकि आप देखिए आप KVS इंटरव्यू में डेमो करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों को बातों को ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप बच्चों को सिखाएं उसमें बच्चे क्या करें, बच्चे इन्वॉल्व हो यानी एक्टिव हो, ठीक है। बच्चों यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा हो रही है, तो जिसमें क्या है बच्चों को आप प्रोत्साहित करेंगे कि वो खोजबीन करके सीखें और वो अपने प्रकृति जो भी उनके आसपास चीज़ें घटित हो रही उसके बारे में पता करें। आप उनके साथ चाहे वो गलत भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, उसमें जाएं, तुरंत आपको करेक्ट नहीं करना है, आप बच्चे को करेक्ट बाद में करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये लाइन लिखी गई हैं। उसके बाद से आप ध्यान दें कि इसमें बच्चों के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें क्या क्या ध्यान दिया गया है। तो इस नीति में बच्चों के शिक्षा में भाषा और साक्षरता के विकास को महत्व दिया गया है। यह माना जाता है कि भाषा और साक्षरता की ठोस नींव बच्चों के लिए अन्य विषयों को सीखने में बहुत सहायक करती है। अगर बच्चे को भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो लैंग्वेज नहीं पता होगा तो वो ना तो सोच सकते हैं, ना कुछ लिख सकते हैं और ना अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बात की गई है।
तो जो फाउंडेशनल स्टेज है यानी बुनियादी स्तर है उसमें क्या किया गया है, बच्चों में भाषा विकास के साथ साथ सीखने की कला, समस्या समाधान, तार्किक और रचनात्मक सोच के विकास पर भी बहुत बल दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज में। ठीक है, NEP 2020 में पढ़ेंगे ना, तो जो आपका 5+3+3+S वाला जो आपका वो एजुकेशन वाला दिया गया है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा एजुकेशन के बारे में, कितना फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। तो इसमें बच्चों के तार्किक रचनात्मक सोच के विकास पर भी बहुत बल दिया गया है, और इस स्तर पर भाषा के साथ साथ अन्य विषयों और गतिविधियों जैसे भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक मूल्य, चरित्र निर्माण, नैतिकता, करुणा और प्रयाण के प्रति संवेदनशीलता को समेकित रूप से सम्मिलित करने की भी अनुशंसा की गई है इसमें। ठीक है, तो सारंगी जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको जो थीम मिलेगा, इसमें क्या क्या कवर किया गया है, इसमें परिवार को कवर किया गया है, जीव जगत को कवर किया गया, हमारा खान पान क्या होता है, त्यौहार और मेले, और हरी भरी दुनिया। तो ये संदर्भ, इन सब 5 ऐसे संदर्भों को कवर किया गया, आपको पता होना चाहिए, परिवार, जीव जगत, हमारा खान पान, त्यौहार और मेले, और हरी भरी दुनिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे जो NCF है, NCF में क्या बात की गई है, इसमें 4 स्तंभों की बात की गई, यानी भाषा शिक्षण यानी लैंग्वेज टीचिंग के 4 पिलर जो होते हैं उसकी बात की, जैसे मौखिक भाषा का विकास, शब्द पहचान, पढ़ना और लिखना। तो ठीक है, मौखिक भाषा का विकास, तो ये 4 पिलर हैं NCF के। ठीक है, इसकी बात की है, मौखिक भाषा का विकास कैसे होगा, बेहतर ढंग से सुनकर समझना, मौखिक शब्दावली का विकास, और साथियों अन्य जानकार लोगों के साथ बातचीत और चर्चा का उपयोग सीखने के लिए करना, मतलब बातचीत करेंगे ना, मौखिक होता है, रिटन नहीं है या वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल है। शब्द पहचान, इसमें प्रिंट जागरूकता और ध्वनि जागरूकता, प्रतीकों को ध्वनि का संबंध, लिखित शब्द पहचाना, शब्दों को लिखना, तो जो भी शब्द लिखे गए उसको पहचाने बच्चे। ठीक है, पढ़ना मतलब लिखित सामग्री का अर्थ निर्माण करना, मतलब लिखे हुए चीज़ों को पढ़े और समझे भी, इसके विषय में आलोचनात्मक समीक्षात्मक ढंग से चिंतन करना। उसके बाद आता है लिखना, मतलब तार्किक और व्यवस्थित तरीके से विचारों या सूचनाओं की प्रस्तुति के साथ साथ शब्दों को सही ढंग से लिखने की भी क्षमता है। तो ये NCF, इस NCF में 4 पिलर की बात की गई है, तो इस पुस्तक में भी ये कवर किया गया है, मौखिक भाषा का विकास हो बच्चों में, चित्र और बातचीत यानी बच्चों में चित्र दिखाए गए हैं जिसको डिस्कस करेंगे बच्चे आपस में, तो या फिर आप ब्लैक बोर्ड पे कोई डायग्राम बना दें, आपस में कहें बच्चे सर्च करें और डिस्कस करें, शब्दों को पहचाने, शब्द जो भी दिया गया है उसको पहचाने, और मात्राओं का ज्ञान हो, जैसे कि अगर कोई बुक में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे और शब्द पहचाने, या फिर ऊ की मात्रा वाले शब्द पहचाने, इस तरीके से। पढ़ना मतलब सुने कहानी, मिलकर पढ़िए और कविता आदि के भागों में बच्चों के लिए पढ़ने के विविध दक्षताओं को विकसित करने के अवसर, यानी जो भी चीज़ें कविताएं दी गई हैं, स्टोरी दी गई, उसको पढ़ना। लिखना मतलब हम सभी जानते हैं कि लिखने की शुरुआत चित्रों से होती है, यानी पहले बच्चा चित्र चित्र से ही सीखता है, चित्र बनाता है, और फिर धीरे धीरे शब्द बनाता है, फिर वाक्य बनाना आरंभ कर देता है, तो ये इस प्रकार बच्चा सीखता है। तो कविता सुना, उसके बाद जो सीखा उसको लिखना, उसको अपने आप को अभिव्यक्त करना, तो वो आपका लिखने में आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ नहीं है, सुने कहानी मतलब कहानी जो भी दिया गया है वो चित्र बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम करके और दिखाएं, और उससे पहले बच्चों को प्रीवियस नॉलेज चेक करें, जैसे कि बच्चों को देखिए थिंकिंग, अगर आप बच्चों को चाहते हैं बच्चे थिंक करें, तो आपको पहले कुछ डायग्राम बनाना है, जैसे मैं ये बना लूँ कि ये क्या है बच्चों, तो बच्चे बताएंगे, या फिर जैसे देखिए मैं यहाँ पे कोई डॉग बना दूँ स्टोरी से रिलेटेड हो, तो बच्चे गेस करेंगे ये क्या है, फिर वो आगे कहानी बताएंगे धीरे धीरे करके, तो ये चीज़ें डिस्कस की गई यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं, जो कविता होनी चाहिए वो आनंदमय होनी चाहिए, और कविता बताने से पहले आप पहेलियाँ भी बच्चों को करवा सकते हैं, और आप दोहराने के लिए मतलब ऐसे हाव भाव के साथ आप बताएं, ये टीचिंग डेमो में आप कर सकते हो कि ऐसे हाव भाव के साथ बचाएं बताएं, और बच्चों को दोहराने के लिए ज़रूर बोले, क्योंकि इसके बिना ये असंभव है, बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे, तो अपने साथ बच्चों को दोहराने के लिए भी बोलें। और चित्रकारी और लेखन तो वही हो गया, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ बना दिया और बच्चों को गेस करने के लिए गए, बच्चे अनुमान लगाएंगे, तो अवलोकन क्षमता इससे बढ़ती है बच्चों की। ठीक है, चित्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं।
और बच्चों से पूछे, जैसे कि बच्चों को अवलोकन, जैसे कि बच्चों से पूछ सकते हैं कि कोई स्टोरी बताना कि आप मेले में गए थे, क्या किया आपने, किसके साथ गए थे, क्या क्या खरीदा, ये सब चीज़ें आप क्वेश्चन कर सकते हो डेमो टीचिंग में। ठीक है, पहेलियाँ भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद से यहाँ मनोदर्पण का जिक्र किया गया है, मनोदर्पण मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी। तो ये आपका पूरा बुक है और यहाँ पे कुछ है नहीं। अब हम स्टोरी देखते हैं। हाँ, ये जो थीम बेस्ड आपको बताया मैंने परिवार के बारे में, और यहाँ पे ये देखिए बच्चों के नॉलेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, फिर आप बच्चों से गेस करवाइए क्या कर रहे हैं, आपके घर में क्या करते हैं। आपको बताना है कि बच्चे देखेंगे कहेंगे ये रंगोली बना रही है, दादाजी चल रहे हैं, कोई खेल रहा है, इस तरीके से बच्चे गेस करेंगे। तो ही बात, तो आते हैं मेन जो स्टोरी है वो है मीना का परिवार। मीना का परिवार मतलब यहाँ पे 7 लोग रहते हैं, दादा दादी, यानी अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सी फैमिली है। तो ये देखिए जॉइंट फैमिली, क्योंकि यहाँ पे दादा दादी भी रहते हैं, उनके पापा भी रहते हैं, पापा मम्मी भी हैं, और उसका भाई भी है, तो ये जॉइंट फैमिली है। जो उसका भाई था वो 3 साल का था, मीना का जो भाई था वो 3 साल का था, बहुत नॉटी था, बहुत नटखट था। तो क्या होता था, उसके साथ मीना खेलती थी, हाइड एंड सीख खेलती थी, मतलब छिपने वाला जो पीछे छिप जाते हैं, तो वो दरवाजे या किवाड़ के पीछे छिप जाते हैं, तो मीना उसे ढूंढ लेती है, और फिर वो जोर जोर से हंसती है, तभी उसके क्या होता है, और उसको गिनती भी सिखाती है, वो गिनती भी कितने अच्छे तरीके से सिखा रही है, 1 2 3 4। तो मीना कहती, उसका भाई बोल रहा है, तो मीना कहती चाचा जी हमको कर दे पैर, तो इस तरीके से वो बोल के गिनती भी सिखा रही है। तभी उसके चाचा जी आ जाते हैं, जो कि उसके जो भाई है उसको दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। जो मीना है वो अपने चाचा जी और दिवाकर जो है वो अपने चाचा दिवाकर से मतलब अपने चाचा जी के साथ बरामदे में जाते हैं। वहाँ जो दादी उसकी रहती है वो फल काट रहती है, फ्रूट्स काटती रहती हैं, और जो उसके मीना के फादर हैं वो क्या करते हैं, गमलों में पानी देते हैं। तो जो फल उसकी दादी काट रही थी उसने सबको वो फ्रूट्स दिया, देन उसके बाद सभी लोगों ने अच्छे से खाया। उसका ये मीना का परिवार है, ठीक है। इसके जो रचयिता है मालती देवी हैं। तो ये यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है कि आप इससे क्या सीख रहे हो, शिक्षण संकेत दिया गया आपको। तो बच्चों के साथ उनके परिवार के विषय में बातचीत करें, जैसे कि आप अगर परिवार डेमो टीचिंग दे रहे हो तो आप परिवार के बारे में बता रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चों से इंटरेक्ट करना, बच्चों से उनके बारे में पूछना है, तब आपको ये थीम बताना है कि आप परिवार पढ़ाने जा रहे हो। तो बच्चों के बारे में उनके विषय में पूछेंगे कि आपको आपके घर में कौन है, क्या क्या करता है, कौन से खेल आप घर पे खेलते हो, आप किन बातों को आप मतलब किन कामों में अपने फैमिली की सहायता करते हो, इससे आप सीख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये दिया गया है, शब्दों का खेल है, और यहाँ पे आप और भी संकेत दिया गया, जैसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करा सकते हो, जैसे कि बच्चे दे दी दो आदि शुरू होने वाले अपनी भाषा के शब्द बता सकते हैं, उन्हें स्वीकार करें और बोर्ड पर लिखें, और उससे उसको बोर्ड पर लिख सकते हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, और फिर बच्चों के अनुमान से पढ़ने के अवसर दें, जो भी आपने लिखा उसको बच्चों को पढ़ाएं, और फिर वो कहेंगे कि बच्चों से आप कह सकते हैं कि गेस करें आपने कौन सा शब्द दिया था, जैसे दिया था दिवाकर, दादा दी, दरवाजा, अदरक, चांद, दस, गेंद आदि शब्दों की सहायता से द ध्वनि और उसकी आकृति की पहचान करवाएं। तो ये आपको करना है, ठीक है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। शिक्षण संकेत, तो वो जो मीना का परिवार दिया गया था उसमें आपको गेस करवाना है, और बच्चों की मातृभाषा यानी वो जो भी टूटी फूटी बोल रहे हैं उसको स्वीकार करना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक। और यहाँ पे एक कविता दी गई है जिसको आप डेमो टीचिंग में यूज कर सकते हो, चंदा मामा दू के, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये कविता, ये आनंदमयी कविता है, ये दादा दादी है, तो इसमें आप ये डेमो टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल बुरी खादी, दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते हैं, कभी कभी दादाजी कोई गाना गाते हैं। तो श्री प्रसाद इसके लेखक है, इसमें आपको हाव भाव के साथ बच्चों को कविता सुनानी होगी और उनको दोहराने के लिए बोलना है, मतलब जैसा आप करेंगे वैसा वो करेंगे, ठीक है। इसमें आप दो अक्षरों से बने शब्द बच्चों को पहचानने के लिए कह सकते हैं, और जैसे दादा में कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं, ये पहचानने के लिए कह सकते हो। नेक्स्ट है जो है थर्ड चैप्टर, रीना का दिन, ठीक है, रीना का दिन चैप्टर है। इसमें क्या है कि
लीना एक लड़की है, वो सुबह जल्दी उठती है, जल्दी वो दातुन करती है, ब्रश जैसे आप सभी करते हैं, तो वैसे ही अपना जल्दी फ्रेश होके वो बाल को में तेल लगा कर कंघी करके अपनी मम्मी द्वारा जो पराठा है वो रेडी हो जाता है, तो अपने उसको टिफिन में रखती है, फिर अपनी मम्मी को गले लगा कर स्कूल जाती है। देन रास्ते में उसको इसकी फ्रेंड मिलती है दीपा, जिसका नाम दीपा है, दीपा को वो सुप्रभात बोलती है गुड मॉर्निंग बोल के, देन वो दोनों हंसते खेलते स्कूल जाते हैं, देन प्रेयर होता है और प्रार्थना होने के बाद वो अपनी क्लास में जाते हैं, सबको नमस्ते करते हैं और मुस्कुराते हुए सबको नमस्ते करते हैं। मीना मन लगा कर पढ़ाई भी करती है और अपनी सहेलियों के साथ शरारत भी करती है और खेलती भी है। वो घर आने के बाद अपना हाथ मुंह धोती है, देन उसका एक छोटा भाई है उसके साथ खेलती है। रीना रात को जल्दी सो जाती है और उसकी दादी उसकी जो दादी रात्रि में शुभ रात्रि बोलकर उसको सुला देती है प्यार से। तो इसमें कुछ है नहीं, तो ये रीना के बारे में था। उसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर है जो कि रानी भी, तो इसमें देखिए दो बहनें रहती है, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, छोटी बहन का नाम रानी था, बड़ी बहन का नाम रमा था। तो रमा जो करती थी वो छोटी बहन उसके साथ करती थी, क्योंकि वो छोटी थी, अगर वो बाल कंघी करती थी तो रानी भी बाल को कंघी करती थी, अगर वो स्लीपर पहनती है चप्पल पहनती तो वो भी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो स्कूल जा रही थी बड़ी बहन रमा, तो उसने अपना बैग रखा, अपना बस्ता रखा, तो जो रानी है वो भी रख लेती, लेकिन उसकी जो मम्मी रहती है, जो माँ रहती है, और उसको जाने से रोक लेती है, क्योंकि अभी रानी बहुत छोटी रहती है, तो वो उसको समझाती है कि स्कूल नहीं जा सकते आप बहुत छोटे हो। तो ये इसमें कुछ है नहीं, और इसके राइटर देख लीजिए बरखा क्रमिक पुस्तकमल NCERT, तो साभार, इसमें कुछ है नहीं, बस इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। यहाँ पे एक खेल गीत है, इसको आप डेमो टीचिंग के लिए यूज कर सकते हो, कि मुर्गा बोला कुकड़ को, तो ये देख सकते हैं, खेल ऐसा खेल मतलब डेमो टीचिंग में प्रयोग कर सकते हो। और यहाँ पे चित्र दिया गया है गिलहरी की। नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 5 है मिठाई। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक गधा रहता है, तो एक दिन गधे को क्या होता है, मिठाई खाने का मन होता है, तो वह अपने दोस्तों से मिठाई मांगता है, कुछ खाने को मांगता है मीठा, तो जो भालू रहता है उसको शहद खाने के लिए देता है, लेकिन जो गधे रहता है उसका मन नहीं था शहद खाने का, तो वो मना कर देता है। तो खरगोश के पास जाता है, खरगोश गाजर देता है, तो गाजर भी वो नहीं लेता है। देन चींटी जो होती है, चींटी गुड़ खाने के लिए कहती है, तो वो गुड़ भी नहीं खाता है। फिर लास्ट में हाथी मिलता है, हाथी उसको गधे को गन्ना खाने के लिए कहता है, लेकिन वो भी मना कर देता है। फिर गिलहरी मिलती है, गिलहरी भी आम खाने को देती है, तो वो मना कर देता है। लास्ट में बिल्ली मिलती है, जो कि कहती है कि चलो हलवाई की दुकान पे, और ये बात गधे को बहुत पसंद आ जाती है, और वो उसके साथ हलवाई की दुकान पे मिठाई खाने के लिए चल पड़ता है। तो इसमें कुछ है नहीं, बस ये देख लीजिए। तीन साथी, ये स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें क्या होता है, एक बकरी रहती है, एक हाथी रहता है। अब तीन साथी दिया तो आगे आपको कहानी समझ आ जाएगा। तो दोनों साथ में ही जंगल जाते थे, तो क्या करता था जो हाथी है वो बड़ा है, तो वो पेड़ की जो ब्रांचेस होती थी शाखाओं को नीचे, डाली को नीचे झुकाता था, और बकरी क्या करती, पत्ते खाती थी। दोनों जंगल में गए, वहाँ पे एक तालाब था, वहाँ एक बेर का पेड़ था, तो उस हाथी ने बेर के पेड़ को हिलाया और बेर नीचे गई, तभी वहाँ पे एक चिड़िया का बच्चा था, चिड़िया के बच्चा था, वो छोटा ही था, तो वो जैसे ही अभी पानी, वहाँ तालाब था तो वो पानी में गिरने जा रहा था, तो बकरी दौड़ के इसको बचाती है, यहाँ पे दिख रहा है, तो बचाने जाती है, तो बकरी डूबने लगती है, तो जो हाथी है वो तीनों को बचाता है। अब तीनों जैसे जैसे वो चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया, तीनों साथ में रहने लगे। अब चिड़िया के बच्चे को पता था कि फल कहाँ लगते हैं, तो वो तीनों वहीं जाते थे और अच्छे से खाते, और तीनों साथ रहते थे। यहाँ पे देखिए झटपट कहिए वाला जो आता है, कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची, इस तरीके से ये वाली जो झटपट, जैसे पके पेड़ पे पका पपीता, ये बच्चों से आप करवा सकते हो, फनी होगा ये। ये एक एक कविता है जो आप डेमो टीचिंग के लिए कर सकते हो, वाह मेरे घोड़े। इसमें क्या है, इसमें देखिए एक घोड़ा है, तो घोड़े का पोयम है, एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल, एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल, एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल, एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, खाकर दिखा फिर अपना कमाल। ये जो लेखक है रमेश दलंग की है, तो ये कविता अच्छी है, आप डेमो टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। खतरे में सांप, ये कहानी है। खतरे में सांप में क्या है कि सभी जानवर डिस्कस कर रहे थे कि खतरे में कैसा बचा, मतलब जान कैसे बचाई जाए, तो बंदर सलाह देता है कि जब भी खतरा हो तो अपने सिर पर पैर रखकर भागना ही सही रहेगा। सबको बंदर की सलाह अच्छी लगती है, लेकिन जो सांप रहता है सभी भाग जाते हैं, लेकिन खतरा आता है तो जो सांप रहते हैं वहीं रहते हैं, मतलब
जो सांप है वो एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं, क्योंकि इनके पास तो पैर नहीं है, इनके पास फीट नहीं है कि वो चल अपने सिर को पैर पे, मतलब पैर को सिर पे रख दें, तो इसलिए वो एक दूसरे को मुंह देखने लगते हैं। तो आपको डिस्कस करना है कि ऐसे कौन से हैं जो जानवर हैं या फिर सरीसृप हैं जो बिना पैरों के हैं। तो यहाँ पे एक कविता दी गई है, कवरी झवरी बकरी, तो ये आप यूज कर सकते हो डेमो टीचिंग में। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है आलू की सड़क कहानी है ये। तो इसमें क्या है, इस कहानी में आलू की सड़क, इसमें बेसिकली एक भालू रहता है, वो अपने नानी के घर दूर जा रहा था। तो रास्ते में वो खाने के लिए क्या करता है, एक बोरा आलू भर लेता है और अपनी पीठ पे रख देता है, लेकिन जो आलू का बोरा था उसमें छेद हो जाता है और आलू जो है रास्ते भर गिरता जाता है। आलू की जो आवाज़ आती है, भालू जैसे आगे बढ़ता है धप धप की आवाज़ करता है, लेकिन जो बोरे से आलू गिर रहा था वो टप टप की आवाज़ कर रहा था। तो रास्ते में एक पेड़ पे बंदर था, उसने पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो, मतलब भालू से। तो भालू ने पता नहीं वो सुना कि नहीं, लेकिन उसके पैरों की ही आवाज़ बंदर को सुनाई दी। तो बंदर नीचे उतरा, देखा आलू गिर रहा है नीचे बोरे से, तो कह रहा है कि आप मुझे नहीं बताओगे। वो जो बंदर रहता है कहते हैं, आप मुझे नहीं बताओगे लेकिन मैं पता कर लूँगा, क्योंकि बोरे से आलू रास्ते में गिरते जा रहा था, तो वो रास्ता पता कर लेगा कि बंदर मतलब भालू कहाँ जा रहा है। तो इसके जो राइटर है चंदन यादव, ठीक है। यहाँ पे एक कविता दी गई है, झूलम झूली माटी माटी खेले, आओ पानी पी पानी पानी खेले। यहाँ पे ये डेमो टीचिंग के लिए यूज कर सकते हो कविता। पोयम था ना, इसके राइटर है श्याम सुशील, ठीक है। नेक्स्ट जो है, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। हाँ, भुट्टे, ये जो है इसमें नीना के नानी और नाना जी हैं। तो वो नीना के नाना जो है बाजार जाता है तो भुट्टे लाता है, वो भुट्टे भूनते हैं तो दोनों मिलकर खाते हैं, फिर नानी ने भुट्टे को उबाला फिर सब मिलकर खाते हैं। तो इस कहानी में यही है। ये जो कहानी है इसमें फूली रोटी सॉरी। तो इसमें एक जमाल रहता है, उसका एक दोस्त रहता है जय। तो जमाल की जो माँ रहती है वो रोटी बना रही थी, तो जमाल का भी मन करता है रोटी बनाने का, तो वो माँ से मांगता है, तो माँ उसकी एक लोई देती है छोटा सा, और वो क्या करता है वो बेलने लगता है, तो उसकी रोटी गोल नहीं बन रही थी। तभी उसको जय एक कटोरी देता है और कटोरी को रख के उसको गोल को घुमा कर रोटी का सेप बना लेता है। उसकी माँ रोटी फिर तवे पर सेकती है, उसकी रोटी फूल जाती है, देन रोटी खाने लगते हैं। तो यहाँ पे एक पोएम दिया है, रोटी अगर गोल ना बने, रोटी अगर गोल ना बने, यानी एक कविता है, आप इसको डेमो टीचिंग में प्रयोग कर सकते हो। इसके राइटर हैं मनोज कुमार झा। यहाँ पे फिर एक कविता है, आप इसको डेमो टीचिंग के लिए यूज कर सकते हो, मेला। तो मेला एक कविता है, घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठा। तो आप बच्चों से पूछ सकते हो कि आप कभी मेले में गए थे, क्या क्या किया। तो घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला, हम जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला, लाया जाकर चार खिलौने, रंग बिरंगे बड़े से सलोने। तो पूरा पोएम है, आप इसके रचयिता है रमेश थानवी, और मेले के बारे में बताया गया। ये स्टोरी बहुत फनी है। तो ये कहानी है बरखा और मेघा। बरखा जो होती है एक बत्तख का नाम है और मेघा एक मुर्गी का नाम है। इन दोनों को तीन तीन बच्चे थे, इन दोनों के तीन तीन बच्चे, और ये लोग मेला देखने जा रहे हैं। वाह, अब बत्तख और मुर्गी मेला देखने जा रहे हैं, वाह। तो जा रहे थे मेले में, दोनों जा रही थी मेले में। रास्ते में क्या होता है कि एक नदी आ जाती है। अब ये नदी को कैसे पार करे, मुर्गी नदी पार नहीं कर सकती, बोल रही थी कि मैं डूब जाऊंगी, लेकिन बत्तख ने कहा कि हम सब नदी पार करके आगे चले जाएंगे। तो मेघा ने पूछा कैसे, तो वो फिर अपना जुगत बताती है, फिर सब खुशी से उछल पड़े और हुर्रे, और वे सभी कहते हैं हुर्रे, वे सब नदी पार कर गए, ठीक है। इसके रचयिता है आस्तिक सिन्हा, ठीक है। ये जो है ये भी एक कविता है होली के बारे में, आप इसको डेमो टीचिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, होली के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है, ये भी एक कविता है, जन्मदिवस पर पेड़ लगाओ। यानी बच्चों को बताना है कि आप जन्मदिवस पे या बर्थडे पे क्या करते हो, फिर बच्चों को समझाना है। ये भी आप आप डेमो टीचिंग के लिए प्रयोग कर सकते हो। इसके रचयिता है जाजा चौरसिया। तो ये भी एक कविता ही थी। नेक्स्ट है हरी भरी दुनिया, ये भी एक कविता है, आनंदमय कविता। ये थीम बेस्ड है, देखिए अभी हरी भरी दुनिया भी हमने देखा कि हमने जीव जगत पढ़ा, हरी भरी दुनिया पढ़ा, मेला परिवार,
ये सब कवर किया जा रहा है। हवा, हवा भी एक पोएम है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चलती, साएं साएं मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर। तो ये भी डेमो टीचिंग के लिए कर सकते हो, और इसके रचयिता है शिवचरण सरोहा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, कितनी प्यारी है ये दुनिया, मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी, मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान भी। तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हो इसका डेमो टीचिंग पे। इसमें कुछ बताने की नहीं है, इसमें बस ये है, इसके जो रचयिता है जयंती मनोकरण है, ठीक है। नेक्स्ट हरी भरी दुनिया का हो गया, अभी आगे देखते हैं। ये भी एक आनंदमय कविता है, चांद का बच्चा, ठीक है, चांद का बच्चा। और ये लास्ट चैप्टर है, वह देखा वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। ये आप डेमो टीचिंग के लिए प्रयोग कर सकते हो। इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। तो चंद्रमा के अलग अलग स्वरूप को बता सकते हो। बादल में हंस हंस कर उस दिन कैसे खिल रहा था चांद, ये डेमो टीचिंग के लिए है। और इसके रचयिता हैं अफसर मेरठी, ठीक है। तो ये चैप्टर का लास्ट था पार्ट, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बच्चों से ये करा सकते हो, कौन परिंदा क्या क्या बोलता है, ये श्याम सुशील का है। कौन परिंदा बोले चूचू, कौन परिंदा गुटरगू, कौन पर, ये डेमो टीचिंग में प्रयोग कर सकते हो जब आप कोई भी चीज़ बर्ड से रिलेटेड बता रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे एक अक्षर गीत गया है, अनार दाड़िंग भी कहलाता, आम चूस कर बच्चा खाता, अगर वो वर्णमाला पढ़ाने के लिए आपको बोलेंगे तो। ये मंजुल भार्गव ने लिखा था ये पोएम। यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड लाइन 10098, विपत्ति के 24 घंटे में निशुल्क आपातकालीन फोन सेवा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की एक पहल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपकी उम्र 18 से कम है या किसी दुविधा में है, या फिर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार या आपके मित्र के साथ कोई कुछ कर रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।